अध्याय 13। अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमोन जो नीगर कहलाता है, और ल्यूकस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलुकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर कुप्रुस को चले। सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया, और यूहन्ना उनका सेवक था। उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नाम एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। वो सिरगियुस पौलुस सूबे के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके सूबे को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को नहीं देख सकेगा। तब तुरंत धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा गया और वो इधर उधर टटोलने लगा कि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। तब सूबे ने जो हुआ था देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफुलिया के पिरगा में आए, और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया, और पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे और सबके दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए, और व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद सभा के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा कि हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से सहन करके कहा, हे इसराइलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। इन इसराइली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया, और जब ये लोग मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। वो कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा। कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मिलाश में कर दिया। इसके बाद उसने सामुएल भविष्यद्वक्ता तक उनमें न्यायी ठहराए। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा, तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग कर दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसराइल के पास एक उद्धार करता अर्थात यीशु को भेजा, जिसके आने से पहले यहुन्ना ने सब इसराइलियों को मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। और जब यहुन्ना अपना दौर पूरा करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं वो नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पांव की जूती मैं खोलने योग्य नहीं। हे भाइयों, तुम जो इब्राहिम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भविष्य द्वक्ताओं की बातें समझी जो हर सप्त के दिन पढ़ी जाती हैं।
इसलिए उसे दोषी ठहराकर उनको पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें ना पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वो मार डाला जाए। और जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की, तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। और वो उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। लोगों के सामने अब वे ही उसके गवाह हैं। और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी ये सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसे दूसरे भजन में भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वो कभी ना सड़े, उसने यूं कहा है कि मैं दाऊद पर की पवित्र और अचल कृपा तुम पर करूंगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वो सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहराता है। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्य वक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े कि हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूं, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी प्रतीति ना करोगे। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्त के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। और जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुतेरे पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे। अगले सप्त के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जबकि तुम उसे दूर करते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए, परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के बड़े लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास पर उपद्रव करवाकर उन्हें अपने सिवानों से निकाल दिया। तब वे उनके सामने अपने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियम को गए, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे।